आजकल की इतने जदीद दौर में हर कोई YouTube से पैसे कमा सकता है। आप देख सकते हो इस कैटेगरी की अर्निंग कितनी ज्यादा है। इस कैटेगरी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये चैनल 6.4K डॉलर मिनिमम कमा रहे इस कैटेगरी से। इन पैसों को IND में कन्वर्ट करते और देखते कि कितने पैसे बनते 6.4K डॉलर इनटू INR और देखते कि आखिरकार हर महीने का ये बंदा कितना कमाते। देख सकते हो 5,30,153 रुपया। तो इस चैनल को आप लोग देख सकते हो, सॉफ्ट लाइन टून स्टोरीज इसका नाम है। इन्होंने 58 वीडियोज़ अपलोड किए और इन 58 वीडियो से इन्होंने 91K सब्सक्राइबर गेन किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप इसके व्यूज़ चेक कर सकते हो, 9 डेज अगो, 38, 6 डे, 1 डे अगो, बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ आते हैं। चलो इन चैनल की जो पॉपुलर वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, कितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं इस कंटेंट की मदद से। इस कंटेंट में इतना दम है कि आपने अगर इसमें 10 वीडियो बना ली तो समझो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे। इस चैनल को देख सकते हो 12 मई 2022 मतलब 6-7 महीने हुए हैं इसके बने हुए, और देख सकते हो। ये सेकंड चैनल आप देख सकते हो, सॉप टून्स हंसते रहो इसका नाम है। इसके व्यूज़ देखो भाई, 1 डे अगो 531K व्यूज़, 2 डेज अगो 147, 3 डेज अगो 839K व्यूज़। इसी तरीके से व्यूज़ चेक करो भाई, कितने ज़्यादा इसके व्यूज़ आते। सेम कैटेगरी चल इसको पॉपुलर में करते, देख सकते हो 1 ईयर अगो इन्होंने 19 मिलियन व्यूज़ हासिल किए, 2 ईयर्स अगो 11 मिलियन, 5.3, 5.2, 4.4 मिलियन। यार इतने ज़्यादा व्यूज़ है ना कि और किसी कैटेगरी में इतने ज़्यादा व्यू इतने कम समय में आपको देखने को नहीं मिलते। ये थर्ड चैनल है सॉफ्ट टून्स कहानियाँ, इसको देखो 307 वीडियो अपलोड किए, 3.17 मिलियन इन्होंने व्यूज़ गेन किए। इनकी व्यूज़ देख सकते हो भाई, 8 डेज अगो 589K व्यूज़, 329K व्यूज़, 294K व्यूज़, 438K, 866K व्यूज़। इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं आपके सामने। 2 ईयर्स अगो 122 मिलियन व्यूज़, 53 मिलियन व्यूज़, 44 मिलियन व्यूज़, 28, 27, 25। यार इतने ज़्यादा व्यूज़ है, देख सकते हो आपके सामने ये। यार आपसे क्या छुपाना, ये रिज़ल्ट आप खुद चेक कर रहे हो भाई। तो चलो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को कैसे बनाना है, ये आप लोगों ने सर्च करना है किसान कार्टून ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो आपके सामने ये आ जाएंगे। ये बेसिकली ये लोग जो ये कार्टून बनाते हैं, ये एनिमेशन कार्टून है, ये PC की मदद से बनाते हैं। लेकिन आज अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए मैं आपको से कहूँगा कि आप इनको कैसे बना सकते हो। आपने इन वीडियो का यूज़ करने आपको कोई रियूज़ नहीं आएगा। यूट्यूब खुद कहते हैं कि मतलब रियूज़ जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक या रियूज़ कंटेंट आपके तब आएगा जब आप किसी का वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड करते हो और अपलोड करते हो। लेकिन आपको पता है कि जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो से हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, एडिट करना है, इसमें वॉइस ओवर करना है, बहुत कुछ करना है भाई। अगर स्टोरी में दम है तो वीडियो चलेगी 100%। स्टोरी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी स्टोरी या इंग्लिश स्टोरी, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी में दम है तो आपकी वीडियो 100% वायरल जाएगी। तो देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन गर्ल्स की वीडियो भी आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हो, किसान वाली या जो भी एनिमेशन आपने बनाना है। आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करो, उसके बाद आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन लगना है, आपकी वीडियो आ जाएगी। आपने यूट्यूब वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल तरीके नहीं तो स्टार्ट में मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उनका यूज़ कर सकते हो या आप और भी सर्च कर सकते हो इजी तरीके। उसके बाद आप लोगों ने इमेज सर्च मेन में आ जाने, इधर आप लोगों ने सर्च करने कार्टून बैकग्राउंड। इधर आपको मल्टीपल बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, जो बैकग्राउंड आपको सबसे बेस्ट और इजी लगे आपने उस बैकग्राउंड को सिंपल इधर आके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने, आपका ये जो बैकग्राउंड है ये डाउनलोड हो जाएगा। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोई और चीज डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने सिंपल ट्री लास्ट में PNG लिखना है। PNG लिखने के बाद ये आपका आ जाएगा, लेकिन ये जो PNG है रियल में PNG नहीं होगी, इसका जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ होगा। उसको भी कैसे रिमूव करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते, ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड कम। उसके बाद आप लोगों ने इस ऐप का यूज़ करना है रिमूव बैकग्राउंड। इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा PNG है उसका जो बैकग्राउंड है हम सिंपल उसको अपलोड इमेज पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देंगे और इधर से जो उसका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी। देख सकते हो अपलोडिंग हो रही। उसके बाद उस जो भी इमेज आप लोग इधर चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो, सिंपल आप लोगों ने इधर अपलोड करना है, आपके इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो देखते हैं डाउनलोड होते ही, तो
देख सकते हो किसी तरीके से देख रहे हैं, तो ये जो है अब बिल्कुल तगड़ा क्रिएट हो चुका है पीएनजी। अब उसके बाद काइन मास्टर में आ जाना है। जो बैकग्राउंड हम लोगों ने डाउनलोड किया, आपने सिंपल उस बैकग्राउंड को इसी तरीके से लगा लेने अपनी वीडियो के टाइमलाइन। उसके बाद आप लोगों ने ये जो मीडिया है, लेयर है, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करने और उसी वीडियो को आप लोगों ने इधर ऐड करने, जो किसान वाली ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो आप लोगों ने डाउनलोड किया था। तो ये देख सकते हो ये किसान जा रहे हैं, ये हथौड़ा मार रहे, ये बिल्कुल एक स्टोरी लाइन है। इस हिसाब से हम स्टोरी को क्रिएट करेंगे, आप अपने हिसाब से करना। तो हम जो लास्ट एक्स्ट्रा जो पजूल पार्ट है हमने क्या करना, इसको ट्रिम करना इसी तरीके से। तो जो भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट है हमने क्या कर दिया कि उसको हम लोगों ने ट्रिम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रोमा की को अनेबल करते हैं और जो ग्रीन स्क्रीन है हमने इसको हटाने, इस तरीके से हम अब इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये किसान जो है ये क्लियरली देख सके। तो आप देख सकते हो ये किसान इस साइड से आ रहे, हम इसको वही सुअर देंगे। उससे पहले हम लोगों जो ग्रास डाउनलोड किया था, मतलब ग्रास, तो हमने क्या करना, उसको क्रोमा की अनेबल करने, इसको इसी तरीके से एडजस्ट करने। ये अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो ये ग्रास की जो लुकिंग है ये और भी स्टोरी में जान डाल देगी। तो देख सकते हो ये ग्रास है, पीछे बैकग्राउंड है और जो किसान है वो इसी तरीके से चल रहे हैं। आप देख सकते हो किसान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इससे जो ये आपने क्या करना है, इसको आप लोगों ने तीनों को, आप लोगों ने तीनों लेयर को अपनी जगह एडजस्ट करने, एक दूसरे के साथ मिलाने, ताकि जो भी वीडियो हो वो बिल्कुल परफेक्ट दिख सके। अब ये किसान तो हथौड़ा मार रहे, लेकिन जो ट्री हम लोगों ने डाउनलोड किया था, अब उस ट्री को हम लोगों ने इस तरह एनिमेट करने, इसको इसी तरीके से एडजस्ट करने। ये किसान जो है ये ट्री को मार रहे, आप देख सकते हो। हमने अब क्या करने, इस ट्री को एनिमेट करने और इधर से इसको गायब करने और फिर ये लकड़ियाँ लेके आएगा ये किसान। तो हमने क्या करने, इस लेयर को हमने इसी तरीके से थोड़ा बड़ा करना है। अब हमने क्या करनी, की वाला जो ऑप्शन आप लोगों को देख रहे हैं, हमने इस पर क्लिक करने और इसको लोगों ने एनिमेशन देने। तो कैसे देने, ये देख सकते हो ये किसान जा रहे हैं। अब इधर से हम लोगों ने क्या करने, इसको ये जो की वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने, आप लोगों ने इधर से प्लस वाले निशान पे क्लिक करने और इसको इस तरीके से रोटोएट करना है और आप लोगों ने इसको थोड़ा आगे कर। तो स्टोरी तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गई कि किसान कुल्हाड़ी लेके जाता है और लकड़ियाँ काटता है, उसको बेच कर अपने लिए कुछ पैसे कमाता है। तो देख सकते हो इसी तरीके से हमने क्या करे कि ये एनिमेशन हम लोगों ने सेट किया। अब आप देख सकते हो ये हथौड़ा मार रहे, ये दरख्त धीरे धीरे गिर रहा है और उसके बाद ये दरख्त इधर से गायब हो जाएगा, तो मतलब उस साइड से किसान लकड़ी लेके आएगा। तो इसी तरीके से आप इस एनिमेशन को एडजस्ट कर सकते हो, आप इधर कलर फिल्टर एडजस्टमेंट सब कुछ कर सकते हो अपने इस एनिमेशन की। लेकिन जो इसका इंटरनल वॉइस है, हमने क्या करने, उस वॉइस को आप लोगों ने हटा देने। उस वॉइस की वजह से आपको कॉपीराइट आ सकता है, रीयूज कंटेंट आप पे लग सकता है, लेकिन आपने इन वॉइस को हटा देने, अपना नॉन कॉपीराइट साउंड लगा लेना है, अपना वॉइस ओवर करने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कैसे करने वो भी आज मैं अभी इस वीडियो में वॉइस ओवर करके आप लोगों को दिखा दूंगा। काइन मास्टर में आपको बहुत से डबिंग भी मिल जाएंगे, आपको वॉइस चेंजर भी मिल जाएगा, आप कैड वोमेन या मैन का वॉइस ओवर कर सकते हो, जो आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो बिल्कुल इजी तरीका था भाई, मैंने मोबाइल पे आप लोगों को सिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपना वॉइस ओवर ऐड करेंगे। ये देख सकते हो माइक की वजह से अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं वॉइस ओवर ऐड कर रहा हूँ, बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा भाई कि मैंने कैसे वॉइस ओवर कर दिया। मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा, एग्जांपल में आप लोगों को सुना भी दूंगा। उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करने कि अपना वॉइस ओवर करने और इसको एक बेस्ट वीडियो बनानी है, एनिमेशन बनाना। ये देख सकते हो आपको इधर वॉइस चेंजर मिल जाएंगे, तो आप जो सजेस्ट करना चाहो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को सुन लो, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब आप लोग कैसे कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, ये जो वॉइस ओवर मैंने किया, अब आप को इस वॉइस ओवर को मैं सुनाने वाला हूँ, आपने इसको ध्यान से सुनने। आज ये किसान जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आ रहा है, क्योंकि इसके घर में जो खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये जाके कुछ लकड़ियाँ काटेगा, उसके बाद ये उसको बेचकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का राशन लेके आएगा। तो उम्मीद है ये एनिमेशन ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।